मैं प्रोफेसर डॉक्टर जी एस शुक्ला निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश स्टैंडर्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज आप सबका स्वागत करता हूं आज मैं जिस विषय पर आपको कुछ बताने जा रहा हूं वो विषय है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान शाखा में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे योग के विभिन्न भी पाठ्यक्रम हैं उसमें यह कोर्स आपको मिलेगा मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान के नाम से तो उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और आज यह इंट्रोडक्टरी हमारा आपको वीडियो है जिसमें हम पूरे शरीर के बारे में सामान्य चर्चा आपसे करेंगे आपको परिचित कराएंगे कि शरीर की रचना कैसे हुई और शरीर कार्य कैसे करता है तो आज हम आपको एक संक्षिप्त रूपरेखा उसके बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो बना है वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं कोशिका को आपको हम इस तरह से समझाते हैं जैसे कोई घर बनता है तो घर में ईंट लगती है ईट एक इकाई हो गई लेकिन वो ईंट किससे बना मिट्टी के एक छोटे से कण से बना वो छोटा से छोटा कण जिससे और कण मिले बहुत सारे उसी तरह के कण मिले तो उसे एक आकार आया ईट बना उसी तरह से हमारे शरीर की जो सबसे सब सूक्ष्मतम सब इकाई है वह कोशिका है और जब ये कोशिकाओं का समूह उसी प्रकार की सिमिलर सेल्स का जो समूह मिलता है तो उसकी जो संरचना होती है उसको ऊतक कहते हैं टिश्यू जब उसी प्रकार के एक ही प्रकार के ऊतक आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अंग कहते हैं और जब विभिन्न अंग एक सिस्टम में फिट होते हैं एक विशेष कार्य के लिए आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं अंग तंत्र आर्गन सिस्टम और विभिन्न अंग तंत्र जब एक बॉडी के अंदर अपनी अपनी जगह फिट होते हैं और सम्यक रूप से अपना विभिन्न कार्य करते हैं संपादित करते हैं तब एक बॉडी का निर्माण होता है जिसको बॉडी यूनिट हम लोग कहते हैं शुरुआत की इकाई जो है वो कोशिका है कोशिका का समूह ऊतक बना ऊतकों का समूह अंग बनाया ऑर्गन और ऑर्गन का विभिन्न सिस्टम्स मिल करके एक बॉडी का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार हमारी बॉडी बनती है और ह्यूमन बॉडी आप जानते हैं कि संसार की सबसे अनोखी संरचना है तो यह जो बॉडी का निर्माण हुआ इसमें विभिन्न तंत्र हैं हमारे शरीर में मूलतः ग्यारह प्रकार के तंत्र हैं इलेवन आर्गन सिस्टम्स हैं और वो आर्गन सिस्टम्स अपना अपना कार्य संपादित करते हैं जिससे हमारी बॉडी एज ए होल फंक्शन करती है एज ए होल हम कोई भी कार्य को परफॉर्म करते हैं बिना किसी असुविधा के बिना किसी दुविधा के तो ये ग्यारह ऑर्गन सिस्टम हैं क्या अंग तंत्र हैं क्या यदि आप इसको ऐसे देखें सबसे पहले आप शरीर का बाहरी आवरण देखें तो बाहरी आवरण आप देखते हैं तो आपको पहले किसी का शरीर जब आप देखते हैं तो उसकी एक त्वचा दिखाई पड़ती है बाल दिखाई पड़ते हैं नाक दिखाई पड़ती है तो ये बाहरी आवरण क्या है त्वचा है स्किन तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम बना वो ये हम आपको यहाँ पे फर्स्ट पे लिखे हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कि त्वचा स्किन अब त्वचा शरीर को बाहर से ढकती है ढकने की वजह से वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है किसी प्रकार का कहीं कोई सेंसेशन आता है उसको आपको बताती है कहीं ठंडा है कहीं गर्म है टेम्परेचर आपको कैसे फील होता है त्वचा के द्वारा फील होता है कहीं कोई दर्द हो रहा है वो भी त्वचा आपको सेंसेशन बता रही है त्वचा पे आप देखिए बाहरी बाल हैं हेयर्स हैं स्वेद ग्रंथियाँ हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं आयल ग्लैंड्स कहते हैं तैलीय ग्रंथियाँ हैं ये भी सब त्वचा के भाग हैं और आप देखिए कभी त्वचा अगर छिल गई तो आपको वहाँ तकलीफ़ होने लगती है तो त्वचा जो है वो प्रोटेक्ट कर रही बाहरी आवरण है आपका जिससे आपका शरीर ढका हुआ है तो पहला जो ऑर्गन सिस्टम जिस पे हम बात करेंगे वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इंटेग्यूमेंट मींस हमने अभी आपको बताया ये त्वचा दूसरा आता है मस्कुलर सिस्टम त्वचा के नीचे आता है हमारी मांसपेशियां मस्कुलर मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ जिसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं मसल्स का क्या कार्य होता है मसल्स हमारे बॉडी को मूवमेंट देती है गति प्रदान करती है तो दूसरा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम शरीर में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां हैं कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण है कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशी अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉल्ट्री मसल और इन वॉल्ट्री मसल वॉल्ट्री मसल क्या होता है जिसको हम कंट्रोल रख सकते हैं अपने आप से कंट्रोल करते हैं सपोज करिए कि आपको हाथ चलाना है तो ये आपके कंट्रोल में है आपने हाथ को उठाया चला दिया ये हाथ चल गया लेकिन अगर आपको अपना दिल बंद करना हो तो क्या आप अपने हार्ट को बंद कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट जिस मांसपेशी का बना हुआ है वह मांसपेशी आपके इच्छा के कंट्रोल में नहीं है वो अनैच्छिक है इनवॉलेंट्री है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हाँ कुछ क्रियाओं के द्वारा आप उसकी गति को तीव्र कर सकते हैं या धीमा कर सकते हैं लेकिन आप उसको बंद नहीं कर सकते लेकिन फेफड़े को सांस लेना है तो फेफड़ा भी एक मांसपेशी का बना हुआ है एक टिश्यू का बना हुआ है तो आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं कुछ देर तक रुके रहते हैं फिर भी सांस छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें सांस चाहिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है तो हमारे जो फोकस था कि मांसपेशी बेसिकली दो तरह की एक जो आपके कंट्रोल में है दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है वॉल्यूंट्री मसल्स इन वॉल्यून्ट्री मसल्स इसमें और विभिन्न प्रकार के आपको हम जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब उसका और डिटेल बताएंगे क्योंकि मांसपेशियाँ कई प्रकार की होती हैं मांसपेशियों के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपका स्केलेटर सिस्टम आता है हड्डियां आती हैं कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं ये स्केलेटल सिस्टम ये मांसपेशियों के नीचे होता है मांसपेशियां उसी के ऊपर आधारित होती हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं ये सपोर्ट करता है आपके बॉडी को जो संरचना बनी है उसका एक फ्रेमवर्क है उसी फ्रेमवर्क के ऊपर बॉडी की विभिन्न संरचनाएं बनी हुई हैं विभिन्न मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं एक शेप वो देता है शरीर का तो इस प्रकार आप देखिए जो ये कंकाल तंत्र है स्केलेटल सिस्टम ये भी बड़ा विचित्र है इसमें कई प्रकार की अस्थियाँ हैं छोटी अस्थियाँ हैं लंबी अस्थियाँ हैं चौड़ी अस्थियाँ हैं इेगुलर शेप वाली अस्थियाँ हैं विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं आप देखिए आपकी कलाई का जोड़ अलग प्रकार का है आपके कुहनी का जोड़ अलग प्रकार का है कंधों का जोड़ अलग प्रकार का है सर का जोड़ अलग प्रकार का है रीढ़ की हड्डी जो पीछे है उसमें भी आपस में जोड़ मतलब अलग अलग प्रकार के जोड़ हैं इनका विस्तृत वर्णन हम तब करेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम को इंडिविजुअली आपको समझाएंगे उस समय हम इनके बारे में बृहद रूप से बात करेंगे चौथा सिस्टम है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहलाता है नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये उसके मुख्य पार्ट हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो शरीर के और अंगों में फैला हुआ है और सीधे वो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो खोपड़ी के अंदर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है और उसके तमाम स्ट्रक्चर्स हैं और हर एक स्ट्रक्चर का एक व्यक्तिगत कार्य होता है और जिसके द्वारा हम तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं देख सकते हैं सूचनाओं का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं निर्णय लेते हैं कोई भी कार्य करते हैं वो ब्रेन पे ही डिपेंड करता है ये ब्रेन किस प्रकार काम करता है जब हम इसके क्रिया के बारे में बात करेंगे नर्वस सिस्टम को पढ़ाएंगे उस समय हम इसको आपको बृहद रूप से बताएंगे अभी इतना आप समझ लें कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम और इस प्रकार ये दोनों नर्वस सिस्टम एक साथ मिल के पूरे बॉडी की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं पांचवा सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में अंतःस्रावी तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं और यह केमिकल्स यह जो रसायन रिलीज होते हैं इनको हम हार्मोन्स बोलते हैं कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सीधे ग्रंथियां ब्लड में ही उसको रिलीज करती हैं हमारे खून में डायरेक्ट वो रिलीज करती हैं और कुछ हार्मोन्स कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड में नहीं रिलीज करती वो इनडायरेक्ट वे में जाकर के तब ब्लड में मिलता है तो जो ग्रंथियाँ सीधे अपना सेक्रीसन ब्लड में रिलीज करती उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं अंतस्राविक ग्रंथि कहते हैं और ये शरीर में कई प्रकार की हैं ग्रंथियाँ हैं विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और हर एक हार्मोन का बॉडी में एक अलग फंक्शन है और उसके ऊपर बॉडी की क्रिया निर्धारित होती है बॉडी की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं छठवां सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप देखिए इसमें हमने दो शब्द लिखे हुए कार्डियो और वैस्कुलर हृदय और उसके जो नलियां हैं जिसके थ्रू ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है रक्तवाहिनी नलिकाएं, वो दोनों मिल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं हृदय का मुख्य कार्य आप जानते हैं कि खून को पंप करना होता है हृदय हमारे शरीर में एक पंपिंग मशीन की भांति है जो खून को लगातार पंप करता रहता है नियमित अंतराल पर जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत कभी रुकता नहीं है मृत्यु के बाद ही इसका कार्य समाप्त होता है तो ये किस प्रकार कार्य होता है इसका ये ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो बिना थके हुए काम कर रही है ये कैसे आराम कर लेती है और काम भी करती रहती है हमारा रक्त किस प्रकार से शरीर में दौड़ रहा है किस प्रकार से शुद्ध रक्त होता है किस प्रकार से अशुद्ध रक्त होता है दोनों किस प्रकार से शरीर में अलग अलग चैनल्स में दौड़ रहे हैं ये हृदय हमारा किस प्रकार काम करता है हम इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बात करेंगे हृदय की संरचना आपको बताएंगे कि हृदय किस प्रकार से बना हुआ है कहाँ अवस्थित है और इसके विभिन्न और जो विषय हैं इससे संबंधित उनकी चर्चा हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में करेंगे सातवां सिस्टम है लिम्फैटिक सिस्टम हमारे बॉडी में लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ बहता है जैसे रक्त बहता रहता है उसी तरह लिम्फ भी बहता रहता है और लिम्फेटिक सिस्टम से भी ही जुड़ा हुआ हमारा एक दूसरा सिस्टम है इम्यून सिस्टम वो भी इसी के साथ अटैचड है तो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फेटिक और इम्यून दोनों के ऊपर फोकस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ का फ्लो मेंटेन करता है दूसरा लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है उनकी क्रियाओं को सुचारू रूप से करता है अब लिम्फैटिक सिस्टम से कनेक्टेड जैसे स्प्लीन हो गया थाइमस हो गया तमाम ग्रंथियां हैं तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्फैटिक सिस्टम को ऑपरेट करते रहते हैं उनके थ्रू ये मेंटेन रहता है तो एक चैनल है जिसके थ्रू जैसे ब्लड हमारे शरीर में आ रहा है जा रहा है शुद्ध रक्त शरीर के अंदर बह रहा है अशुद्ध रक्त फिर शुद्ध किया जा रहा है उसी प्रकार से जो लिम्फ है उसका भी फ्लो कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है आप बहुत सारे लोगों में देखेंगे कभी कभी कि पैर में सूजन आ गई है किसी को हाथी पाव हो गया है किसी के हाथ में इस तरह की बीमारी हो गई हाथ बहुत मोटा हो गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंटिएसिस इसमें होता क्या जो लिम्फेटिक चैनल्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है वो फ्लो नहीं वापस आ पाता जिसके अंदर वहाँ फ्लूड कलेक्ट होने लगता है और इतना असाधारण सूजन डेवलप हो जाती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसकी क्रियाएँ क्या हैं इसमें कोई अवरोध आ जाता है तो क्या विकृतियाँ आ सकती हैं क्या उससे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे आठवां आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र हम जो सांस लेते हैं आप जानते हैं कि सांस की दो प्रक्रियाएं हैं पहला सांस को अंदर लेना इनहेलेशन दूसरा श्वास को बाहर छोड़ना एक्सेलेशन तो ये इनहेलेशन एक्सेलेशन ये जो दो प्रोसेस है जो दो स्टेप है श्वास प्रक्रिया का ये किस प्रकार संपादित होता है हमको पता भी नहीं रहता हम अनजाने में बैठे हुए हैं आपसे बात कर रहे हैं किसी काम में व्यस्त हैं फिर भी हम सांस ले रहे हैं अपने आप सांस आ रही जा रही है आप जब सो जाते हैं तो भी सांस आती जाती रहती है तो श्वसन कैसे कार्य करता है कि हमें बिना याद हुए बिना हमारे कॉन्स लेवल पे आए हुए भी ये प्रक्रिया चल रही है कौन सा केंद्र है बॉडी में जो श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है श्वसन तंत्र को भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारे नासिका से लेकर के और लरिंग्स तक जो ऑर्गन्स आते हैं श्वसन में जो मददगार हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाते हैं और फिर ट्रैकिया के नीचे से लेकर हमारा फेफड़ा और हमारे जो डायफ्राम वगैरह हैं ये सब लोअर रेस्पिरेटरी में आते हैं तो स्वतंत्र तंत्र का जब हम आपसे चर्चा करेंगे वृहद रूप में तो इसके स्ट्रक्चर्स को इसके जो सहयोगी मांसपेशियाँ हैं किस प्रकार से ब्रेन श्वसन को नियंत्रित करता है कैसे कर हमारी सांस तेज हो जाती है सांस की गति जब तेज हो जाती है तो उसको हम ट्रैकिपनिया कहते हैं और जब सांस की गति सामान्य से कम हो जाती है तब उसको ब्रेडिपनिया कहते हैं सांस कैसे लेते हैं आप कभी कभी सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती है जिसको डिसनिया कहते हैं तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम वृहद रूप से करेंगे नौवा तंत्र हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र हम जो कुछ खाते हैं जो कुछ पीते हैं वो शरीर में किस प्रकार से एब्जॉर्ब होता है उसका पाचन किस प्रकार होता है उसके न्यूट्रिएंट्स शरीर में किस तरह से अवशोषित होते हैं फिर वो रक्त में किस प्रकार से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किस तरह से वो हमको न्यूट्रिशन देता है किस तरह से हमारी पाचन क्रिया चलती है इसके विषय में हम पाचन तंत्र में बात करेंगे अब पाचन तंत्र में आप देखिए कि विभिन्न अंग आपको हम बताएंगे मुंह से लेकर के जैसे ही आप कुछ खाते हैं मुंह में डालते हैं बस वहीं से पाचन शुरू हो जाता है हकीकत तो यह है कि पाचन तंत्र का एक बड़ा तीन भाग मुंह में डालने के पहले ही बॉडी तैयार कर लेती है आपने भोजन को देखा आपने भोजन की सुगंध को महसूस किया ब्रेन तैयार होने लगता है वो तमाम केमिकल्स तैयार करने लगता है पहले से आपके देखने भर से उसके सूंघने से उसके परसेप्शन से ब्रेन को पता है कि ये किस चीज़ किस प्रकार का भोजन है हमें किस प्रकार का केमिकल है यहाँ कितना रिलीज करना है तो पाचन प्रक्रिया तो तभी शुरू हो जाती है इन सब विषयों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जैसे हमारा पेट है पेट को कितने भागों में बाँटा गया है उन विभिन्न भागों में कौन कौन से अंग स्थित हैं जैसे आपको किसी को पता चलता है कि भाई पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं साहब पेट में दर्द है हमारे डॉक्टर पूछता है कहाँ दर्द है तो आप पेट में एक विशेष प्रकार का स्थान बताते हैं कि अब इस जगह दर्द है अब डॉक्टर को पता है पेट में एनाटमी क्या है उसकी किस क्वाड्रेंट में पेन है जैसे पेट को आप देखिए तो नौ भागों में बांटा गया है नौ क्वाड्रेंट्स में और हर एक क्वाड्रेंट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है राइट हाइपोकंड्रियम के बाद ईपी आता है ई के बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम आता है फिर राइट लंबर आता है फिर अम्ब्लाइकल रीजन आता है फिर लेफ्ट लंबर रीजन आता है राइट इलियक फोसा आता है हाइपोगेस्ट्रियम आता है लेफ्ट इलियक फोसा आता है ये जो नौ क्वाड्रेंट्स में एबडामिन को बांटा गया है इसमें विभिन्न अंग स्थित हैं और उनको हम पता करेंगे किस भाग में कौन सा अंग स्थित है इसके बारे में विशेष चर्चा हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे दसवा तंत्र जब हम बात करते हैं तो हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम जैसा इसका नाम ही आप जान रहे हैं यूरिनरी यानी यूरिन से रिलेटेड है यूरिन आप जानते हैं शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये यूरिन कहाँ से बनती है इसको कौन बनाता है इसका फार्मेशन कहाँ से होता है इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है फिर किस प्रकार से इसका फिल्ट्रेशन होता है इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो सामान्य कहलाते हैं जिनकी उपस्थिति सामान्य बोली जाती है कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति असामान्य बोली जाती है जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं अगर किसी के मूत्र में शुगर आ रही है तो ये एबनॉर्मल है असामान्य है यानी उस मरीज को उस व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस बीमारी है तो यूरिन में अगर शुगर मौजूद है तो उसको टर्म यूज होता है ग्लाइकोसूरिया कहते हैं जो असामान्य है किसी के पेशाब में अगर रक्त आ रहा है खून आ रहा है जिसको हिमेच कहते हैं ये भी असामान्य है किसी के पेशाब में अगर कीटोन बॉडीज आ रही हैं कीटोन यूरिया बोलते हैं ये भी असामान्य है तो ये जो तमाम अंग इससे संबंधित हैं जैसे किडनीज हैं यूरेटर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर है यूरेथ्रा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू हम यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं किस प्रकार से हमको पता चलता है कि अब हमें पेशाब लगी हुई है कितना देर तक आप पेशाब को रोक सकते हैं अगर पेशाब को रोक रहे हैं तो उसके क्या हजार्ड्स हो सकते हैं क्या दिक्कतें हो सकती हैं क्या ऐसे कारण है कि पेशाब आपके नियंत्रण में ही नहीं बूंद बूंद करके बहती रहती है तो इन सब की चर्चा हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम में अब लास्ट जो ऑर्गन सिस्टम आता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन फिर से पैदा करना अपने ही शरीर के तरह दूसरा पैदा करना अब इसको हम जब आपसे बात करेंगे तो इसमें मेल और फीमेल महिला और पुरुष दोनों के जो जननांग हैं उनकी हम चर्चा अलग अलग करेंगे महिला में जननांग क्या हैं उनके बारे में बृहद रूप से बात करेंगे पुरुषों में जननांग क्या हैं उनके बारे में बृहद रूप से बात करेंगे फिर उनसे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं किस वजह से अब जैसे महिला रिप्रोडक्शन पे जब हम बात करेंगे तो हम आपसे इनफर्टिलिटी की बात करेंगे स्टरलिटी की बात बात करेंगे मेल में भी इनफर्टिलिटी स्टेरलिटी की बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं कहाँ अवस्थित हैं इन सब के बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट आज आपको बता रहे हैं तो उसमें हमारे बॉडी में ग्यारह आर्गन सिस्टम्स हैं और इन 11 ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर के बॉडी एज ए होल यूनिट एक यूनिट बनती है और ये जब आपस में तारतम्य से अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं तो हमारी शरीर की जो स्थिति होती है वो होम्योस्ट्रेसिस होती है मतलब सारी क्रियाएं सामान्य संपादित हो रही हैं शरीर एकदम आपको सुखमय प्रतीत होता है शरीर में किसी प्रकार की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो आपको शरीर भारी हो जाता है कष्टकारी प्रतीत होता है तमाम असामान्य आपको लक्षण महसूस होने लगते हैं इस प्रकार से शरीर रचना क्रिया विज्ञान का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का पहला लेक्चर संपन्न हुआ अब ये जो आज हमने अपना लेक्चर आपको दिया इसमें आपकी जो जानकारी संबंधित कोई भी आपको उत्सुकता हो कोई पूछना हो कोई परिचछा हो कुछ भी चीज़ जो आप और हमसे जानना चाहते हैं या अपनी जानकारी के लिए और बात करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इस पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो इस आज के विषय से संबंधित आपको कोई भी जानकारी अगर और चाहिए कोई भी पूछताछ हमसे करनी है इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे आप इस पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद